सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका बस शिमला इंडोनेशिया के एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो हमारा न्यू अपडेट आया है, अपडेट के साथ साथ आप लोगों ने देख लिया होगा कि काफ़ी सारी ग्राफिक्स और ट्रेन वगैरह सब कुछ अपडेट हो गया है। लेकिन गाइस आप लोगों को पता है कि इसमें एक फुटबॉल का एक नया प्लेग्राउंड भी आया है, जिसमें हम एक साथ प्ले जो कि फुटबॉल भी खेल सकते हैं, जिसको आप अकेले भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैंने मेरे दो फ्रेंड्स को भी लिया है, जो कि विशाल और राजेश आप लोग देख रहे हैं। तो गाइस हम तीनों लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो प्लेस कहाँ है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने थे। तो गाइस ये हमारा मैप है, वो जो कि नया मैप आया है उसको ही हमने सिलेक्ट किया है। तो आप भी उसको ही सिलेक्ट कर लो, उसमें आपको फुटबॉल का स्टेडियम मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं है वैसे भी, इसलिए मुझे आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहे वरना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको निकल जाना है यहाँ से, अपने डेपो में से बस को निकाल देने के बाद वो लोग तो पीछे पीछे आ जाएंगे वैसे भी। चले जाते हैं हम अपने वो फुटबॉल। तो हम लोग मल्टीप्लेयर में आपको साथ में खेल के भी बताएंगे कैसे आप लोग इसको खेल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसको दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ा नज़दीक ही है, पर थोड़ा सा आपको लंबा सा लग सकता है। तो यहाँ पर आपको सोलो लिखा हुआ दिख रहा है, उस तरफ ही हमें जाना है, जो कि हमारा रूट जो कि मैप को हमें नेविगेशन में दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर हमारा मैप एंड हो रहा है। तो आप मैप को मैप के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो आपको अभी के लिए तो सिर्फ सीधा चलना है, सिर्फ जो हमारा लोडिंग मैप आता है, जहाँ पे हमारा मैप लोडिंग हो जाता है, तो उस जगह से हमें पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये ट्रेन वाला न्यू अपडेट आया है, ट्रेन अभी जो कि चली गई। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं। नया मैप हमें मिल जाता है इसमें खेलने के लिए, क्योंकि इसके ग्राफिक वगैरह सब कुछ फिक्स कर दिया गया है, काफ़ी अच्छे में ग्राफिक्स और नए नए होम्स भी, जैसे कि आप लोग ये बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, टावर, तो ये सब कुछ पहले ऐसा नहीं था, अभी अभी इसको चेंज कर दिया गया है। तो ये अपडेट 2.3 है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर लग रहा है। इसके ग्राफिक की अगर बात करें तो वो पेड़ वगैरह सब कुछ इन्होंने डिज़ाइन करके रख दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे वो देखने में भी लग रहा है। तो यार आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। जब ये नदी आती है, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं नदी जैसा, तो आपको इसको क्रॉस करने के बाद आपको अब थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब जो स्टार, जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हैं कि हमें स्टार वाली जो जगह आती है बस शिमला इंडोनेशिया में, कई जगह पर हमें स्टार दिखाई देते हैं, तो उसे ऐसे दो स्टार हमको दिखाई देंगे। थोड़ी देर मैप लोडिंग होगा, ये हमारा न्यू रोड आ गया है। तो यहाँ से आपको सीधे चलना है, चलते चलते ये दूसरी नदी भी आ गई, यहाँ से रिवर क्रॉस होती है। तो मेरे साथ थे वो लोग तो काफी दूर है अभी। आपको मैप को फॉलो करते करते सिर्फ चलते रहना है, सोलो की तरफ हमें जाना है। तो आगे अब हम पहुंचने आए हैं, जैसे कि आप लोग सामने ये सर्कल हमारा देख रहे हैं, ये सर्कल के पास पहुंचने आए। ये सर्कल पे ये दो स्टार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते एक जगह पे आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे रास्ता हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं उन दोनों का वेट कर लेता हूँ, फिर उन लोगों को भी दिखाता हूँ कि कहाँ जाना है हमें। तो राजेश तो आ गया, लेकिन विशाल अभी काफ़ी दूर है। तो जैसे वो नज़दीक आ जाता है तो उसको भी साथ ले जाते हैं। तो या इस सर्कल को आपको याद रखना, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रास्ता ऐसी जगह पे दिया गया है जहाँ शायद आप लोग गलत रास्ते जा सकते हैं। तो विशाल आ गया, तो चलिए अब हम लोग जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से सीधे चले जाना है मैं आपको फॉलो करते हुए, और ये जो दूसरा ट्रैफिक सिग्नल यहाँ से आता है, आपको यहाँ पे यहाँ से आपको राइट की ओर मोड़ लेना है। ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मोड़ लेने के बाद थोड़ा सा और आगे चले जाना है, और ये यहाँ से हमको राइट में मोड़ लेना है। ये जगह आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ से अंदर ले लेना है।
विशाल तेरी बस थोड़ी पीछे ले भाई, यहाँ से आप धीरे धीरे करके अंदर चले जाइए और यहाँ इतने कहीं में आप अपनी बस को पार्क कर दीजिए। आपको पार्क करने का लोकेशन भी कोई अच्छा से ही रखना होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इस जगह पर ही पार्क करो जहाँ पे मैं करता हूँ, जिससे कि हमारा जो वो प्लेयर जो बस का ड्राइवर होता है वो बाहर निकले तो हमें वो जो क्या बोलते हैं हमें लिमिट दी जाती है कि उतनी दूर हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें इसको ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ही आपको बस को पार्क कर लेनी है। तो ये रही हमारी 3 बस। बस भाई इधर रुक दो। तो अब यहाँ से हमें नीचे उतर जाना है। तो जैसे कि आप हम लोग उतर गए, उसके बाद हम लोगों को चले जाना है। तो ये विशाल भी आएगा अभी। ये रहा विशाल आ गया और राजेश अभी पार्क कर रहा है। ये देखो कैसे डांस कर रहा है। चल भाई इधर आ जा। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पे चले जाना है, पीछे आ जाना है इस घर के पीछे। लोकेशन तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। और फिर यहाँ पे जैसे आप लोग आ जाओगे, जैसे कि ये देखो ग्रीन ग्रीन हो रहा है कुछ, यहाँ से आपको अंदर चले जाना है। जैसे अंदर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे सामने एक फुटबॉल मिल जाएगा। ये देखो ये दोनों तो खेलने भी लगे, कहाँ पर फेंक दिया बॉल को ये देख लो। काफ़ी अच्छा, आपको भी अगर खेलना हो मल्टीप्ले में तो आप मुझे कमेंट करना, हम लोग एक अपना सर्वर बनाएंगे और फिर वहाँ पे साथ में खेलेंगे। तो यहाँ पे फुटबॉल खेलने काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने मल्टीप्ले में लगभग एक साथ हम लोग 10 लोगों के साथ मल्टीप्ले कर सकते हैं शायद। तो यहाँ पे हम लोग फुटबॉल वगैरह खेल सकते हैं दोनों, दो दो टीम बना के। तो गाइस कैसा लगा वीडियो यार, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गेम के इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज़ लाते रहते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस चलिए वीडियो को करते यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।